इंदौर की एक सरकारी कॉलोनी के पास वाला मैदान, शाम का समय, एक घने पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा। तभी बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। एक पेड़ के नीचे ट्यूशन पढ़ाते हुए बच्चे और टीचर घबरा गए, बाबा भी घबरा गए। उन्होंने लड़खड़ाते हुए कुर्सी से उठने की कोशिश की तो हड़बड़ा कर गिर गए। बाबा का एक पैर घुटने के नीचे से कटा हुआ था। देखा तो सामने एक लड़की जलती हुई बचाओ बचाओ की आवाज लगाते हुए मैदान में यहाँ वहाँ भाग रही थी। खुले मैदान में चलती तेज हवा ने उस आग को और भड़का दिया था। मैदान में बचाव का कोई साधन नहीं था। बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई मेरी बैसाखी लाओ रे। टीचर वहीं पास में खड़े थे, उन्होंने बाबा की बैसाखी पकड़ाई। इसी बीच बाबा चिल्लाने लगे, कोई मेरी बेटी को बचाओ, बेटी आशु, मेरी बेटी आशु। और वे बैसाखी के सहारे बदहवास से इधर उधर भागने लगे। तभी मैदान के किनारे बने पुलिस थाने से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। तब तक आशु जमीन पर गिर चुकी थी। किसी पुलिस वाले ने उस पर कंबल डालकर आग बुझाने की कोशिश की। लंबी सुरंग, घुप अंधेरा, माँ की हंसी की आवाज, रोने की आवाज, मेरी आशु, माँ की आवाज फिर गूंज रही थी। अगर हमसे कोई भूल हुई है और हम उसे बताते नहीं है, अगर सुधारते नहीं है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। ईशा, तुम ऐसी भूल कभी मत करना बेटी। ईशा सुनो बेटी, मेरी बेटी ईशा। माँ माँ अचानक उसके नजदीक आई, फिर एकदम से दूर होती चली गई। तभी बाबा की बैसाखी की ठक ठक नजदीक आती गई। ठक ठक बढ़ने लगी और बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी कि उसके दिमाग में उसकी आवाज गूंजने लगी। बाबा, ईशा चिल्लाई, चारों तरफ घुप अंधेरा। माँ, ईशा जोर से चिल्लाई, क्या हुआ ईशा। ईशा की नींद खुल गई, वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी, सांसें तेज तेज चल रही थी। सामने देखा तो बाबा कुर्सी पर बैठे थे, उनकी बैसाखी पास ही दीवार के सहारे रखी थी। माँ ईशा का सिर अपनी गोद में लेकर बैठी थी। माँ घबरा गई और पूछा, क्या हुआ ईशा, कोई बुरा सपना देखा क्या जो डर गई हो। ईशा ने देखा कि सुबह के 7 बज रहे हैं, मतलब रात को सपने में वही देख रही थी आशु को। माँ माँ कहते हुए ईशा ने माँ को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उसे रोने दिया। जब रोकर मन थोड़ा हल्का हुआ तो ईशा बोली, माँ मैं आशु को नहीं भूल पाती हूँ। आज भी रात को मुझे अपने सपने में सब दिखा, जलती हुई आशु। ईशा बोली, ईशा आशु तेरी बहन थी, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। मेरी बेटी थी, तेरी बड़ी बहन थी, उसका दर्द, उसकी तकलीफ हम सबने अपनी आंखों से देखी है। बाबा को देखो, कैसे हिम्मत से काम लिया उन्होंने। बाबा तो वहीं थे मैदान में, तभी ईशा का बड़ा भाई गजेंद्र चाय लेकर आया। प्यार से सब उसे गज्जू कहते थे। नहीं भैया, अभी चाय का मूड नहीं है, ईशा बोली। चाय पी लोगी तो मन अच्छा रहेगा, थकी थकी लग रही हो, फ्रेश हो जाओगी, कहकर गज्जू ने चाय का कप ईशा को पकड़ा दिया। ईशा चाय पीने लगी। ईशा आज कॉलेज जाओगी ना, अगर घर पर रेस्ट करने का मूड हो तो रेस्ट करो, माँ ने कहा। जाऊंगी माँ, ईशा ने चाय खत्म कर ली थी, आज एक्स्ट्रा क्लास भी है। तो ठीक है, तू नहा कर तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ, कहकर माँ किचन में चली गई। ईशा के गजेंद्र भैया उर्फ गज्जू पुलिस में थे, नजदीकी थाने में उनकी पोस्टिंग थी, वे तैयार होकर वहाँ के लिए निकल गए। ईशा के बाबा भी पुलिस में थे, पर एक हादसे में एक पैर कटने की वजह से उनकी नौकरी नहीं रही थी, प्रशासन ने उनके बेटे को पुलिस में नौकरी दे दी थी। इसीलिए जो सरकारी मकान बाबा के नाम से अलॉट था, अब वह गज्जू के नाम से हो गया था। नाश्ता करके ईशा अपनी सरकारी कॉलोनी पार करके सड़क पर ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। तकरीबन 18 साल की ईशा देखने में खूबसूरत थी, कदकाठी की भी अच्छी थी, रंग गेहुआ था और उसकी मुस्कान बड़ी प्यारी थी। ईशा में एक और खास बात थी जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती थी, और वह थी उसकी घुटनों तक लंबी चोटी।
ईशा के बाल बड़े ही काले और घने थे। ईशा उनका बड़ा ध्यान रखती थी। उसे जीन्स टी शर्ट पहनना कम पसंद था, जबकि सलवार सूट चाहे रोज पहनवा लो। ईशा जावरा कंपाउंड के देवी अहिल्या गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में उसकी सहेली मारिया उसका इंतजार कर रही थी। वे दोनों बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। लेक्चर खत्म होने के बाद ईशा मारिया के साथ कॉलेज के गार्डन में आ गई। चल ईशा, कैंटीन में कुछ खाते हैं, मारिया बोली। नहीं यार, मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, ईशा बोली। तेरी माँ वक्त की बड़ी पाबंद है, रोज टाइम पर नाश्ता, मारिया ने कहा। माँ मेरा बहुत ध्यान रखती है। अच्छा, चाय तो पी सकती है ना मेरे साथ देने के लिए, मारिया ने पूछा। ठीक है, चाय पी लेंगे, ईशा ने कहा और मारिया के साथ कॉलेज के कैंटीन में आ गई। दो चाय और एक सैंडविच का टोकन लेकर मारिया काउंटर पर पहुंची। ऑर्डर आने पर ईशा ने उसके हाथ से चाय का गिलास ले लिया। ईशा चाय पीने में बिजी हो गई और मारिया सैंडविच खाने में। थोड़ी देर बाद मारिया बोली, यार ईशा एक बात पूछूं, अगर बुरा नहीं मानेगी तो? बुरा क्यों मानूंगी, ईशा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। तेरे घर में सब इतना ध्यान रखते हैं तेरा, पर मेरे घर वालों को फुर्सत ही नहीं। मम्मी किटी पार्टियों में ज्यादा बिजी रहती हैं और डैड अक्सर टूर पर। घर का नाश्ता मिले तो महीनों बीत जाते हैं। नौकरों के हाथ का नाश्ता खा खा कर बोर हो जाती हूँ। तू पूछ रही है या बता रही है, ईशा ने टोका। मेरा मतलब है कि तेरे घर वाले अगर इतने अच्छे हैं, फिर तेरी बहन आशु ने सुसाइड क्यों किया था? क्या प्रॉब्लम थी? लोग बातें बनाते हैं। देख मारिया, इस टॉपिक पर बात मत कर, मुझे पसंद नहीं, कहते हुए ईशा चिढ़ गई। नहीं यार, तू मेरी फ्रेंड है, इसीलिए सोचा कि सीधे तेरे से ही पूछ लूं, इधर उधर की बातों से बेहतर है। मारिया थोड़ी सहम गई। ईशा ने कुछ नहीं कहा और कैंटीन से उठकर कॉलेज के मैदान में एक पेड़ के नीचे रखी बेंच पर आकर बैठ गई। मारिया ने उसके जख्मों को कुरेदना ठीक नहीं समझा और वह वहीं रह गई। ईशा को आशु के साथ बिताए पल याद आने लगे। फास्ट फूड की तरह आशु ने अपनी जिंदगी को भी फास्ट फूड जैसा बना लिया था। उसे हर बात में जल्दी होती है, उसे हर चीज तुरंत चाहिए होती है। सीढ़ी दर सीढ़ी मिली कामयाबी में उसे यकीन नहीं था, पर चूंकि वह एक मिडिल क्लास की थी तो सबसे बड़ी कमी पैसे की थी। कॉलेज में अमीर घरों की लड़कियों को कार से आते जाते देखकर आशु को अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता था। उसे महंगे रेशमी कपड़े पहनना और महंगे ब्यूटी पार्लर में जाना पसंद था। इन खर्चों को पूरा करने के लिए उसने सेल्स गर्ल का काम चुन लिया था, वह भी घर पर बताए बिना। एक दिन आशु अपने प्रोडक्ट लेकर एक घर में गई। एक अधेड़ आदमी ने बाहर आकर पूछा, बोलो बेबी क्या काम है? जी अंकल, मेरे पास किचन में काम आने वाले कुछ प्रोडक्ट हैं, आप देख लीजिए ना प्लीज, और आंटी को भी दिखा दीजिए, आशु ने कहा। आओ अंदर आ जाओ, वह अधेड़ बोला। अरे सुनती हो? जैसे ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, आशु ने जैसे ही घर के ड्राइंग रूम के अंदर कदम रखा, उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। आशु घबरा गई और वहां से जाने को हुई, तभी वह आदमी बोला, कहाँ जा रही हो, प्रोडक्ट तो दिखाओ। जब अंदर से उस आदमी की पत्नी वहां आई तो आशु की जान में जान आई और वह तुरंत सोफे पर बैठ गई। तभी वह आदमी भी आशु के पास सोफे पर आकर बैठ गया और उसने आशु के गले में अपनी बाहें डाल दी। अंकल यह क्या कर रहे हैं आप, आशु एकदम से उठने की कोशिश करने लगी। बैठी रहो चुपचाप, उस आदमी की पत्नी चिल्लाई। तब तक अंकल ने आशु को जकड़ कर उस पर चुम्मों की बरसात कर दी थी। वे बहुत देर तक आशु के शरीर को यहाँ वहाँ टटोलते रहे और आंटी अपने मोबाइल से फोटो खींचती रही। चलो उठो अब यहाँ से, आंटी आशु से बोली। आशु तुरंत उठ गई। रुको, प्रोडक्ट कितने के हुए, अंकल ने पूछा। घबराई आशु ने धीरे से कहा, 2000 रुपए के। ये लो 5000 रुपए पकड़ो, 2000 तुम्हारे प्रोडक्ट के और 3000 तुम्हारी टिप, जो चुम्मे दिए अंकल को, आंटी बोली। क्योंकि ये चुम्मा लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, नामर्द हैं, उम्र हो गई है, ठीक है ना, कहकर आंटी ने भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया।
आशु सोचती रह गई, पर जब वह घर वापस पहुंची तो वह बड़ी खुश थी। उसके पास 3,000 रुपए थे। उसे याद आया कि कॉलेज में एक रईस ज्यादा उस पर लाइन मारता है, पर वह उसे भाव नहीं देती है। अगर वह चुम्मे के बदले उससे पैसे वसूले तो? यह सब सोचते हुए आशु को रात को नींद नहीं आई। उसने फैसला किया कि पैसे की कमी में वह अंकल के पास भी कभी कभी चली जाया करेगी, लेकिन कल उस कार वाले रईस जादे से हेलो से शुरुआत की जाए। अगले दिन जब आशु कॉलेज के बाहर निकली तो कार वाला लड़का गेट के बाहर खड़ा था। आशु ने उसे देखते ही एक मुस्कुराहट उछाली। कार वाला लड़का उसके पास पहुंचा और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो, मैं नीरज और मैं आशु, कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नीरज ने कहा, अगर फ्री हो तो कहीं चलकर कॉफी पी जाए। आशु ने हाँ कर दी तो नीरज ने कार का दरवाजा खोला। आशु ने कार के अंदर बैठकर खुद को राजकुमारी सा महसूस किया। वह पहली बार किसी लड़के के साथ कार में बैठी थी। कॉफी पीने के दौरान नीरज ने बताया, उसके पापा के कई पेट्रोल पंप है और वह इकलौता लड़का है। उसने यह भी बताया कि वह गुजराती साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट है। आशु बड़ी प्रभावित हुई। नीरज ने आशु को पहला गिफ्ट एक मोबाइल फोन दिया। कुछ महीने तक मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा। कभी कभी कार चलाते चलाते सुने रास्तों पर नीरज ने उसके कई बार चुम्मे भी लिए। आशु ने अपने घर में बताया था कि दोनों बहनों ने बचत करके यह मोबाइल फोन खरीदा है। इस तरह से ईशा भी उसका राज जान गई थी। एक दिन नीरज आशु को अपने घर ले गया। उस समय घर पर कोई नहीं था। उसने आशु के लिए एक नाइटी खरीदी थी। पहले तो आशु झिझकी, पर नीरज की अमीरी उस पर हावी थी। वह जैसे ही नाइटी पहनकर बेडरूम में गई, नीरज ने मौके का फायदा उठाकर आशु की इज्जत तार तार कर दी। नीरज ने अपनी हवस का वीडियो बनाया और बोला, मेरी जान, हमारे प्यार की याद अमर बनाने के लिए यह वीडियो जरूरी है। तुम डिजिटल लड़की हो। इसके बाद नीरज के साथ साथ उसके कई दोस्तों ने आशु को अपनी हवस का शिकार बनाया। इधर ईशा को आशु पर शक होने लगा कि वह कुछ गलत कर रही है, क्योंकि रात में जब आशु कपड़े चेंज करके नाइटी डालकर बिस्तर पर आती थी तो उसके पीठ, गले, छाती पर काटने के लाल निशान दिखते थे। धीरे धीरे ईशा को आशु के क्रेजी होने से नफरत होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि अचानक आशु ने खुदकुशी कर ली। सरकारी कॉलोनी में बाथरूम घर में नहीं बने होकर घर के बाहर बने थे। आशु ने बाथरूम में जाकर केरोसिन छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर लिया था। जब सहन नहीं हुआ तो बाहर चिल्लाती हुई मैदान में भागने लगी, पर उसकी जान नहीं बच पाई। तभी अचानक ईशा अपनी यादों से बाहर निकल आई। वह पसीने से तर बतर थी। वह तेजी से कॉलेज से बाहर भागी और सड़क पर ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। जब तक ईशा घर पहुंची तब तक उसका बदन तपने लगा था। वह सीधे अपने बिस्तर में जा घुसी। यह कौन सा समय है सोने का, कहते हुए माँ ने ईशा के चेहरे से कंबल हटाया। चल उठ ईशा, चाय पी ले। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने जैसे ही ईशा के माथे पर हाथ रखा तो वे घबरा गई और तुरंत ही गज्जू को आवाज लगाई। गज्जू और बाबा दोनों कमरे में आ गए। घर से कुछ ही दूर पर एक क्लिनिक था। गज्जू ईशा को वहीं ले गया। कुछ मेडिसिन लेकर ईशा गज्जू के साथ घर वापस आ गई। दवा लेने के बाद भी ईशा का बुखार कम नहीं हो रहा था। आखिर में किसी ने मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह दी और कहा कि शायद ईशा पर किसी घटना का बुरा असर पड़ा है और वह उस बात को भुला नहीं पा रही है। माँ बड़ी मुश्किल से राजी हुई। शहर के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर रमन जैन के पास ईशा को ले जाया गया। डॉक्टर रमन जैन ने ईशा के बारे में नॉर्मल जानकारी ली और ईशा के लंबे बालों की जमकर तारीफ की। उन्होंने ईशा से कहा, मेरी बेटी ने तो मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने बालों को छोटा करवा दिया है। कुछ टिप्स मेरी बेटी को भी देना ताकि उसके बाल भी लंबे और खूबसूरत हो जाएं। जी डॉक्टर साहब, इतनी देर से चुपचाप ईशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगली मुलाकात में अपनी बेटी से तुम्हारी बात करवाऊंगा, डॉक्टर रमन जैन बोले।
जब ईशा घर पहुंची तो उसे हल्कापन महसूस हो रहा था। माँ प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। रात को खाना खाने के बाद ईशा ने दवा ली और सो गई। उसे सपने में आशु नहीं दिखाई दी क्योंकि उसने नीम की दवा खाई थी। यह सिलसिला 10 दिनों तक चलता रहा। पूरा परिवार ईशा की देखभाल करता रहा, उसे अकेला नहीं छोड़ा। आज 11वें दिन डॉक्टर के पास जाना था। आज पता है ईशा क्या हुआ, डॉक्टर रमन जैन ने कहा। क्या हुआ, ईशा ने पूछा। जब मैं क्लिनिक में आ रहा था तब एक डॉगी मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बचा, डॉक्टर रमन जैन बोले। ओह, ईशा के मुंह से निकला। वह भूखा और कमजोर लग रहा था। मैंने गाड़ी रोककर उसे चाय की गुमटी से दूध ब्रेड खिलाया। बेचारा, ईशा बोली। उसको कहीं चोट तो नहीं लगी, पैर के पास ऊपर, डॉक्टर रमन जैन बोले। लेकिन उसका मुंह घाव तक जा सकता है, इसीलिए वह चाट चाट कर उसे ठीक कर लेगा। कितने परेशान हो जाते हैं डॉगी बेचारे, ईशा के मुंह से निकला। बिल्कुल, लेकिन वे सुसाइड नहीं करते, डॉक्टर रमन जैन ने बात बदली। मतलब, ईशा चौंक गई। मतलब यह कि बहुत से जानवर गाड़ी के नीचे आकर हाईवे में कुचले जाते हैं, पर क्या कभी किसी जानवर को किसी गाड़ी के नीचे मरने के लिए आते देखा है, डॉक्टर रमन जैन ने पूछा। नहीं, कभी नहीं, ईशा बोली। भैया और माँ चुपचाप देख रहे थे। तो क्या हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं जो संघर्ष को छोड़कर मौत को गले लगा लें, डॉक्टर रमन जैन ने पूछा। पर वह आंसू, ईशा की आंखों में आंसू भरने लगे। वह संघर्ष नहीं कर पाई अपने विचारों से और गलत राह पर चलने लगी। अगर किसी टेंशन में रहने लगी तो माता पिता से शेयर करती, समाधान जरूर मिलता, डॉक्टर रमन जैन ने कहा। लेकिन सुख सुविधाओं की उम्मीद करना क्या बुरी बात है, ईशा ने पूछा। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आशु का तरीका गलत था। जितने भी महान लोग हुए हैं उन सब ने संघर्ष किया है। अच्छा यह बताओ कि जब से तुम बीमार हुई हो परिवार ने कोई कमी की देखभाल करने में, माँ के प्यार में कमी लगी, भैया ने कमी की, डॉक्टर रमन जैन ने पूछा। नहीं नहीं, सब बहुत प्यार करते हैं मुझे, कहकर ईशा रोने लगी। माँ उठने ही वाली थी कि डॉक्टर ने इशारे से मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर रमन जैन फिर बोले, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में माता पिता का साया नहीं रहता। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है ईशा, तुम्हारी कॉलेज की फीस, तुम्हारे दूसरे खर्चों में कोई कमी, भैया ध्यान रखते हैं मेरा, ईशा बोली। तो बेटा, परिवार का हक पहले है तुम पर, जिंदगी अनमोल है, क्या हमारा शरीर आत्महत्या करने के लिए है, डॉक्टर रमन जैन ने पूछा। जी नहीं, बात तो ठीक है आपकी, ईशा बोली। सुधा चंद्रन, तस्लीमा नसरीन, महाश्वेता देवी, सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, पर इन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया। डॉक्टर रमन जैन ने आगे बात बढ़ाई। पढ़ाई के अलावा ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सुकून मिले, ईशा ने पूछा। तुम्हारी हॉबी क्या क्या है, डॉक्टर रमन जैन ने पूछा। मतलब, ईशा बोली, तुम्हारे बाल खूबसूरत हैं, इन्हें हेल्दी रखने के टिप्स का वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर अपलोड करो, पैसा भी मिल सकता है आगे जाकर, क्यों नहीं, भैया बोले। अब तुम्हारा गिफ्ट नया मोबाइल इंतजार कर रहा है घर पर, यह सुनकर माँ भी मुस्कुराई। खूबसूरत बालों के टिप सबसे पहले मैं सीखूंगी, अंदर से आवाज आई और पर्दा हटाकर एक मॉडर्न लड़की दाखिल हुई। मेरी बेटी, तुम्हारी पहली कस्टमर, डॉक्टर रमन जैन बोले। ईशा मुस्कुराने लगी। उसकी जिंदगी से अंधेरा दूर हो गया था और उम्मीदों की एक किरण जगमगाने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।